हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आपका इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे, विच इज पार्ट ऑफ एन अकेडमी। दोस्तों, आज के हमारे सेशन में फटाफट इंग्लिश के मैं बहुत ही शानदार सेंटेंस को कवर करने वाला हूँ। बट उससे पहले आप लोगों को बता दूँ कि अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर आप मुझे फॉलो करें अगर आप सच में इंटरेस्टेड है मेरी क्लासेस देखने में और मेरे कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ाने को आप पसंद करते हो, तो मुझे फॉलो करें, वहां पे आपको मेरी क्लासेस नजर आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये देखो एसएससी एग्जाम, ये हर्षवर्धन सिंह, ठीक है, और आप ये कुछ ये एसएससी एग्जाम यहाँ पे लिख रखा है, ये फिल, ये जो सर्च का ऑप्शन है ना बच्चों, इस पे जाके आपको सर्च करना है ना। सर्च के ऑप्शन पे आप जब हर्षवर्धन सिंह लिखोगे तो आप मेरे को पाओगे, मेरी प्रोफाइल को पाओगे, मुझे फॉलो कर लेना। ठीक है, ये मेरी प्रोफाइल है। ठीक है, अभी वॉइस ऑफ नरेशन की क्लासेस चल रही हैं, प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं, उसके बाद में कुछ और सेशन लेके आएंगे आप लोगों के लिए ना। तो ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने स्क्रीन पे, ये आपके सामने क्वेश्चन है। ऑन माय रिटर्न फ्रॉम अ लॉन्ग हॉलीडे आई हैड टू डैश विद अ लॉट ऑफ वर्क, है ना, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा ना। इधर देखो, सो पहली चीज हो गई यहाँ पे कैच, यहाँ पे चार ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए हुए ना, कैच ऑन, कैच अप, मेकअप और टेकअप, है ना। कैच ऑन का मतलब क्या होता है, ये देखो, कैच ऑन का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड, किसी चीज को समझना आपके कैच ऑन कहलाता है। ठीक है, मेकअप का मतलब होता है बच्चों आपके कि टू बी फ्रेंडली अगेन, वापस से दोस्ती या फ्रेंडली हो जाना आपके, फ्रेंडली अगेन आपके मेकअप कहलाता है। ठीक है, कैच ऑन का मतलब टू अंडरस्टैंड होता है, जैसे कि मान लो आई कॉट ऑन व्हाट ही वाज सेइंग, तो वो क्या कह रहा था, इस चीज को मैं इस चीज को समझ गया, जो भी वो कहने की कोशिश कर रहा था उसको मैं आई कॉट ऑन व्हाट ही वाज सेइंग, है ना, मैं उसे समझ गया। मेकअप का मतलब टू बी फ्रेंडली अगेन, तुम्हारी और तुम्हारी बहन की लड़ाई हो जाए, सो वी फाइट अ लॉट, आई फाइट अ लॉट विद माई सिस्टर, बट वी मेकअप वेरी सून, बट हम बहुत जल्दी जो है वापस से भुला देते हैं पुरानी लड़ाई को, वापस से प्रेम मोहब्बत बना लेते हैं। टेकअप का मतलब होता है बच्चों टू बी इंटरेस्टेड, बी एंगेज्ड और बी इंटरेस्टेड इन समथिंग, किसी चीज में इंटरेस्टेड होना या एंगेज्ड होना। ठीक है, जैसे कि मैं सेंटेंस लिखूं, मैंने बोला आप लोगों को, आई टुक अप टेनिस एट द एज ऑफ 10, तो 10 साल की उम्र में मैंने अपने आप को एंगेज कर लिया था टेनिस के अंदर। टुक अप, टू बी, टू गेट एंगेज्ड इन समथिंग और टू बी इंटरेस्टेड इन समथिंग, ठीक है, ये आपके टेकअप कहला गया। कोई ऐसा काम जो आपका पेंडिंग रह गया हो, या आपका ऐसा काम जो आप अर्लियर टाइम पे आपको करना था लेकिन आप उसे नहीं करा, अब उसे आपको करना, उसको कंप्लीट करने के लिए, उस पे बराबर आने के लिए आप कौन सी फ्रेज का इस्तेमाल करते हो, कैचअप का प्रयोग करते हो। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो कैचअप होगा, बहुत सारा काम उसका छूट गया, पेंडिंग है, और उस पेंडिंग काम को उसे करना है, उसे कैचअप करना है ताकि वो बराबर कर सके, बैलेंस बना सके, है ना, उसे उसे पहुंचना है, वापस बराबर करना। मान लो 15 दिन से उसने काम नहीं किया, 15 दिन में मान लो उसका उसके 10 काम हो जाने चाहिए थे, है ना, तो वो बाकी के बचे दिनों के अंदर जो है वो टोटल उसे 20 काम करने हैं, 10 तो इस 15 दिन के और 10 तो उसे कैचअप करना है ना। और मैं रिटर्न फ्रॉम ए लॉन्ग हॉलीडे आई हैड टू कैचअप विद अ लॉट ऑफ वर्क, बहुत सारा काम जो उसको कैचअप करना है, उसको करना है जो विच वॉज इंटेंडेड टू डू अर्लियर वर्क्स और थिंग्स दैट वॉज इंटेंडेड टू डू अर्लियर, बट उन्हें अभी करना है। ठीक है, कैचअप करेंगे, कैचअप आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। गाइज, अकेडमी सीबीएसई का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं मेरे रेफरल कोड से, हमने 2 चैनल लॉन्च किए बच्चों, लाइव टेस्ट और डिफेंस एग्जाम, आप इन्हें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा संडे को सुबह 11 बजे 3 मई को ये सेशन आने वाला है, तो एसएससी की तैयारी धांसू तरीके से, तो ये सेशन को भी देखना आप नहीं भूले बच्चों, है ना। ठीक है, समझ गए, ठीक है जी ना, मेरा रेफरल जो कोड है हर्ष11 बच्चों, आप यू कैन टेक दिस, यू कैन टेक एनी प्लस कोर्स, एसएससी हो, बैंक हो, सीडीएस हो, रेलवे हो, मेरे रेफरल कोड की मदद से। फॉर एग्जांपल एसएससी आपने चूज किया, गेट सब्सक्रिप्शन पे आपने क्लिक किया, उसके बाद में आपको मॉड्यूल चूज करना है, जैसे 12 महीने का 6000 का है, ऊपर आपसे रेफरल कोड मांगेगा, वहां पे रेफरल कोड लिखना, और उसके बाद में 10% का आपको इंस्टेंट क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा ना। उसके बाद में आप क्या करेंगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के थ्रू पेमेंट करके ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा बच्चों आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे भी मुझे जो है फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आपको लिखना पड़ेगा इंग्लिश हर्ष दोस्तों, है ना।
सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट, बाय बाय।